हेलो फ्रेंड्स, आपका भी कोस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर फिनिश करवाया है तो होप करता हूँ आपको समझ भी आएगा अच्छे से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर और इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग की। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? अभी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना फिनिश कराया, उसमें क्या था, जितने भी हमारे कैपिटल के सोर्सेज थे उनकी कॉस्ट क्या क्या होगी, अभी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये निकालना सीखा था। बट कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें ये सीखना है कि जितने भी हमारे सोर्सेज है, किस सोर्सेज से कितना पैसा लेना है, किस सोर्सेज से कितना पैसा लेना है, ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा। जैसे कि हमारे इक्विटी प्रिफ्रेंस, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रिफ्रेंस शेयर्स हो गए और डिबेंचर हो गए, ये थे हमारे सोर्सेज। अब अगर हमें मान लो 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो हम इक्विटी शेयर से मान लो 10 लाख लेते हैं, प्रिफ्रेंस शेयर से 5 लाख, डिबेंचर से 5 लाख, ऐसे करके अलग अलग हमारे प्लान बनते हैं। तो यही देखना हमें कि हमें कौन से सोर्सेज से कितना पैसा लेना है, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमें इस चैप्टर में यही करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो गाइस, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब हम स्टार्ट करते हैं। ए कंपनी नीड्स 12 लाख फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री। अब कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट है? 12 लाख रुपीस की, ठीक है। आगे कह रहे हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड टू अर्न एन ईबीआईटी ऑफ रुपीस 2 लाख पर एनम। और कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है, वो कितना ईबीआईटी अर्न कर लेगी? 2 लाख रुपीस। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, यानी कि कंपनी ऐसा एस्टिमेट लगा रही है कि हम पूरे साल में 2 लाख रुपए अपने अर्निंग कर लेंगे। द कंपनी हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द अर्निंग पर शेयर, इट इज़ कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर प्लस रेजिंग ए डेट ऑफ रुपीज 2 लाख, 6 लाख एंड 10 लाख। अब ये क्या बोल रहे हैं कि तीन प्लान बता रहे हैं कि डेट हमारे को कितने देने हैं, 2 लाख, सेकंड प्लान में डेट हमारे हो जाएंगे 6 लाख और थर्ड प्लान में हमारे जो डेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 10 लाख। तो ये देखो, अगर टोटल हमारे को कितने चाहिए, 12 लाख रुपीज़ चाहिए, तो अभी प्लान वन ये हो जाएगा आपका प्लान टू और ये हो जाएगा प्लान थ्री। टोटल कितने की रिक्वायरमेंट है, 12 लाख रुपीज़ की। फर्स्ट प्लान में अगर हम कितने रुपए के डिबेंचर बोले उन्होंने, 2 लाख के, अगर 2 लाख के डिबेंचर ले लेते हैं यानी कि बाकी 10 लाख का इक्विटी। सेकंड वाले में अगर 6 लाख के डिबेंचर ले रहे हैं तो इक्विटी भी कितनी हो जाएगी, 6 लाख की इक्विटी शेयर्स। एंड प्लान थर्ड में 10 लाख के डिबेंचर है, 10 लाख के डिबेंचर, यानी कि जो हमारी इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे वो 2 लाख के हम इशू करेंगे। तो हमारे तीन प्लान बन गए अलग अलग। अब हमें आगे क्या करना है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज रुपीज़ 40। कह रहे हैं अभी जो हमारे शेयर्स की वैल्यू है, मार्केट प्राइस जो है 40 रुपीज़ पर शेयर है, बट इट विल ड्रॉप टू 25 रुपीज़। क्या कह रहे हैं, 40 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, 25 तक चला जाएगा, यानी कि ये जो अभी 40 का है ये 25 हो जाएगा, कम होकर 25 तक चला जाएगा। कब, इफ द बोरोइंग एक्सीड रुपीज 7,50,000। अब आप बता सकते हो इनमें से कौन सा केस ऐसा है जिसमें बोरोइंग हमारी 7,50,000 से एक्सीड है, थर्ड वाले प्लान में। तो इस वाले प्लान में क्या होगा कि जो हमारे शेयर का मार्केट वैल्यू है वो 40 नहीं होगी, वहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, 25, बिकॉज इन्होंने बोला अगर बोरोइंग हमारी 7,50,000 से एक्सीड कर जाती है तो हमें शेयर की मार्केट वैल्यू 25 रुपीज़ लेनी है, जो कि हम प्लान थर्ड में करने वाले हैं। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आर इंडिकेटेड एज अंडर, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी इन्होंने अलग अलग दी हुई है। अगर हमारे डिबेंचर जो 2.5 लाख अप टू 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 तक अगर हमारे डिबेंचर है तो हमें 10% का क्या लगाना है, 10% का रेट लगाना है। अगर वो 2.5 लाख से 6,25,000 यानी कि 2,50,000 से 6,25,000 के बीच में है, 2,50,000 से 6,25,000 के बीच में अगर हमारे डिबेंचर है तो हमें कितना रेट लगाना है, 14%।
और अगर डिबेंचर 6,25,000 से 10 लाख के बीच में है तो हमें लगाना है रेट 16%। तो फर्स्ट केस में देखो 2 लाख डिबेंचर है यानी कि अप टू 2,50,000, तो इस पे जो पूरे पे रेट लगेगा हमारा लगेगा 10%। और सेकंड वाले केस में क्या है, 2,50,000 से 6,25,000 उसी के बीच में 6 लाख, तो यहाँ पे जो इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 14%। एंड थर्ड में बोला इसने 6,25,000 से अगर 10 लाख है तो उसमें लगेगा 16% का इंटरेस्ट रेट, तो इस वाले केस में 16% का हमारा क्या लगेगा इंटरेस्ट रेट डिबेंचर पर। ठीक है गाइस, तो अब हम इसकी इसको सोल्व करते हैं प्रॉपरली। ये देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे EBIT, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस कर देंगे हम यहाँ से इंटरेस्ट। EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो हमने माइनस कर दिया। अब इसमें से हम टैक्स भी माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, अर्निंग आफ्टर। इसके बाद अगर क्वेश्चन में प्रिफ्रेंस शेयर भी है तो उनके ऊपर हमें प्रिफ्रेंस डिविडेंड देना होता है, वो हम लेस कर देंगे। अब जो हमारी अर्निंग बचेगी वो बचेगी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो यहाँ पे जो अर्निंग बचेगी क्या होगी, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स। अब इस अर्निंग में से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, जिसको हम बोलते हैं EPS। तो हमें यही कैलकुलेट करना है, तो इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ EPS। तो अब हमारे को तीन प्लान दिए हुए हैं इसमें, तो तीनों को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो हमारे पास EBIT, तीनों केस में हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, प्लान फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख EBIT। अब फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं वो, इंटरेस्ट। अब सबसे पहले मैंने लगाना इंटरेस्ट। अब देखो प्लान फर्स्ट में क्या था, हमारे पास इक्विटी जो है 10 लाख की है, यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सबकी इक्विटी, इसमें 10 लाख और जो डिबेंचर है वो है 2 लाख। यहाँ पे इक्विटी जो है 6 लाख और डिबेंचर भी है 6 लाख, और यहाँ पे जो इक्विटी है वो है आपकी 2 लाख एंड डिबेंचर जो है यहाँ 10 लाख। ये चीज़ है, तो देखो इंटरेस्ट लगाना में सबसे पहले, तो डिबेंचर कितने के यहाँ पे 2 लाख के, तो 2 लाख का कितना परसेंट लगेगा इंटरेस्ट, 10%, क्योंकि ये अप टू 2,50,000 के अंदर ही है, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000 माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ का इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे डिबेंचर है 6 लाख, तो अगर डिबेंचर 2,50,000 से 6,25,000 के बीच में है तो हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा 14%, तो हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगाना है वो कितना लगाना है 14%, तो 6 लाख का 14% कितना हो जाएगा, 14 6 84 84,000। एंड थर्ड केस में क्या है, डिबेंचर 10 लाख है, तो 10 लाख अगर है तो इंटरेस्ट रेट है 16%, तो अगर इसका 16% लेंगे तो हमारा जाएगा 1,60,000। अब इनको माइनस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EBIT। तो फर्स्ट केस में EBIT आ गई 1,80,000, इस केस में आ गई 16,000 एंड इसमें आ गया हमारे पास 40,000। अब हमें लगाना है टैक्स, तो टैक्स रेट उन्होंने दिया हुआ है 30%, तो 30% अगर दिया हुआ है तो 1,80,000 का 30% करेंगे हम 54,000, इसका करेंगे हम 34,800 और इसका करेंगे तो 12,000, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा 1,26,000 और ये आपके 1,619 और माइनस कर देना 81,200, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 28,000।
उसके बाद अब क्या करना है आपको, माइनस करना है प्रिफरेंस डिविडेंड, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। किसी भी प्लान में आपके प्रिफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्रिफरेंस शेयर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको नील कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो ये आपका जो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है वो भी आपका सेम आ जाएगा, 1,26,081,200 and 28,000। अब उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, अब हमें वो कंप्यूट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर देखो, मार्केट प्राइस उसने क्या बोला है, 40 होगा अगर डिबेंचर जो है वो 7,50,000 से एक्सीड नहीं कर रहे। तो किस किस में नहीं कर रहे, इसमें और इसमें। तो फर्स्ट टू प्लान्स में क्या होगा हमारे पास, जो मार्केट प्राइस होगा एक शेयर का वो होगा 40 रुपीज़, ठीक है, 40 रुपीज़। एंड इस केस में क्या होगा, वो 7,50,000 से एक्सीड करे हमारे डिबेंचर, तो इस केस में जो मार्केट प्राइस होगा हमारा इक्विटी शेयर का वो होगा हमारा 25 रुपीज़। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो टोटल इक्विटी कितने के, 10 लाख रुपीज़ के, तो 10 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर से हैं और एक शेयर हमारा अगर 40 का, तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 2500 शेयर्स, सॉरी 25,000 शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट केस में 25,000, ठीक है। अब सेकंड केस का देख लेते हैं, इक्विटी यहाँ पे कितने के, 6 लाख की, तो अगर 6 लाख की है अपॉन में, इस यहाँ पे भी हमें 40 लेना है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, 40 ही लेना है, तो अगर इसको कंप्यूट करोगे तो आपके आ जाएंगे यहाँ पे 15,000 आपके आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे आपको मिटा के सीधा 15,000 लिख देता हूँ, 15,000 शेयर्स हो गए आपके इधर। एंड थर्ड में आपके कितने, 10 लाख डिबेंचर थे, तो यहाँ पे आपका जो मार्केट प्राइस हो जाएगा इक्विटी शेयर का 25 हो जाएगा, तो इस केस में आपको क्या करना है, 2 लाख आपके टोटल है इक्विटी शेयर और ये 25 रुपीज़ है एक का, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ गए 8,000, मैं इसको मिटा के सीधा 8,000 इधर लिख रहा हूँ, तो ये आपके हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपको क्या करना है, EPS फाइंड आउट करना है, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो इसके लिए मेरे को नीड होगी कैलकुलेटर की। तो अब ये देखो यहाँ पे कंप्यूट करते हैं हम, 1,26,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये आपका आएगा 5.04। एंड सेकंड केस में 81,200 डिवाइडेड बाय 15,000, ये आपका आएगा 5.41। एंड थर्ड केस में आपका 28,000 डिवाइडेड बाय 8,000 3.5। तो अब जो कंपनी है वो इनमें से कौन से प्लान को एक्सेप्ट करेगी, सेकंड वाले को, बिकॉज सेकंड प्लान में जो हमारी अर्निंग पर शेयर है वो हमारी 5.41 है, और कंपनीज का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर है उनका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो प्लान टू जो है कंपनी ऑप्ट करेगी अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, तो यहाँ से पैसे इकट्ठा करेगी, इक्विटी शेयर भी लेगी 6 लाख रुपीज़ के एंड डिबेंचर भी लेगी 6 लाख रुपीज़ के। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इनडिफरेंस कर्व की तरफ। तो गाइज अब हम बात करते हैं अपने इनडिफरेंस कर्व की। इनडिफरेंस कर्व इसको हम अपने क्वेश्चन के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। बस आप इसमें इतना समझ लीजिए, इनडिफरेंस कर्व क्या है, इसमें दो प्लान के EPS हमारे इक्वल होते हैं, जो भी हमने अपने तीन प्लान लिए थे अभी क्वेश्चन में, ऐसे दो प्लान होंगे जिनके EPS हमारी इक्वल होगी, वो ये अपना इनडिफरेंस कर्व। और आप यहाँ पर फॉर्मूला नोट डाउन कर लो EPS निकालने का, EBIT माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट, फिर माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फॉर्मूले से आपको ये आपके क्वेश्चन फिनिश होंगे इसके। तो हम अपना क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। प्लान फर्स्ट एंड प्लान सेकंड, दो प्लान दे रखे आपको इस क्वेश्चन में,
एंड फर्स्ट प्लान में वो बोल रहे हैं कि हमें 2 लाख रुपीज़ की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हम लेंगे पूरे के पूरे हम इक्विटी से। एंड सेकेंड में प्लान में क्या बोला है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करके और 1 लाख के हमारे हो जाएंगे डिबेंचर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड आउट हमें क्या निकालना है, इंडिफरेंस लेवल फाइंड आउट करनी है, क्या इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। तो इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT अभी हम निकाल लेंगे, यानी कि एक ऐसा EBIT फाउंड करना है, ऐसा EBIT फाउंड करना है जहां दोनों प्लान की हमारी EPS सेम हो जाए। ठीक है, तो EPS हमारी क्या हो जाए, सेम। ये हमें पहले से मान के चलना है, इंडिफरेंस लेवल वो पूछ ले, तो EPS इजिकल टू EPS ये मान के चलना है। ठीक है, अब EPS के फॉर्मूले दोनों हमने लिखवाए थे, ये देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या लिखवाए थे यहाँ पे, EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दोबारा से EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो अब ये देखो EBIT हमें फाउंड करनी है इस केस में, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वाले में तो इंटरेस्ट आपका है नहीं कोई भी, बिकॉज 2 लाख की 2 लाख हमारी क्या है, इक्विटी। तो इंटरेस्ट हम यहाँ लेंगे 0, 1 माइनस टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है 50%, यानी कि 0.5 माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड भी है नहीं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, 0 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो 2 लाख रुपीज़ के हमारे क्या है, इक्विटी शेयर्स है, और एक फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो फेस वैल्यू अगर 10 है तो 2 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 20,000 इजिकल टू, अब यहाँ देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब यहाँ इंटरेस्ट देखना है, हमारे डिबेंचर कितने के, 1 लाख रुपीज़ के, और डिबेंचर की हमारी जो परसेंटेज है 8%, उन्होंने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पहले से लिखा हुआ है 8%। तो 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 8,000। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8,000। और 1 माइनस टैक्स रेट फिर से हमें पता ही है 0.5, यानी कि 50%। प्रिफरेंस डिविडेंड नहीं है तो हम यहाँ लिख लेंगे 0 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ कितने होंगे, 1 लाख के इक्विटी शेयर, और फेस वैल्यू जैसे कि हमें पहले ही पता है 10 रुपीज़ है, तो 1 लाख बाई 10, यानी कि हमारी हो जाएगी 10,000। तो 10,000 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हमें करना है इसको सोल्व, ये देखो EBIT ये आपका 0.5 आएगा, यानी कि 1 माइनस 0.5 करोगे 0.5, वो तो माइनस का जीरो है, उसको तो छोड़ दो। तो 0.5 को हमें इंटू करना है EBIT से, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 EBIT। ठीक है, अब अपॉन में क्या है, 20,000 इजिकल टू देखो EBIT माइनस 8,000, और वो क्या है, 1 माइनस 0.5 फिर से 0.5 हो गया, और वो माइनस जीरो है, वो तो माइनस जीरो हो गया, उसको छोड़ दो। अब जो ये 0.5 बचा आपका, उसको इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 0.5 EBIT एंड 0.5 को आप माइनस 8,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4,000। ठीक है गाइस, एंड अपॉन आपको क्या करना है, 10,000। अब ये देखो 10,000 से आप इसको काट सकते हो, आ जाएगा आपका 10,000 × 10,000 × 10,000 × 20,000, तो ये आपका क्या 2 यहाँ पे। अब इस 2 को आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको जैसे पता ही है, तो 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे इससे। तो मैं आपको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, 2 को क्या करना है, इसमें ऊपर वाले पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 को आप 0.5 EBIT से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बचेगा यहाँ पे पूरा 1 EBIT, यानी कि 1 EBIT मतलब EBIT, एंड 2 को आप माइनस 4,000 से इंटू कर दोगे तो आपका वापस से क्या हो जाएगा, माइनस का 8,000। और यहाँ पे आपका जैसे कि पहले बचा ही हुआ है 0.5 EBIT, वो आप यहीं लिख दो 0.5 EBIT, तो ये आ गया आपका। अब 0.5 EBIT को इस साइड ले जाओ और माइनस 8,000 को इस साइड ले आओ, तो 8,000 इज इक्वल टू EBIT माइनस 0.5 EBIT, तो ये आपका क्या हो गया, 0.5 EBIT और ये 8,000 इज इक्वल टू में, और ये आपका आ जाएगा 8,000 बाय 0.5 इज इक्वल टू EBIT, और आपका EBIT आ गया 16,000।
ठीक है, तो आपका EBIT कितना है यहाँ पे 16,000। इट मीन्स 16,000 रुपये अगर हमारी अर्निंग होगी पूरे साल की, और अगर हम ये दोनों प्लान कोई भी ले ले तो हमारी अर्निंग पर शेयर जो आएगी वो हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो यही आपका कंसेप्ट था किसका, इंडिफरेंस कर्व या फिर इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस लेवल, व्हाटएवर। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंसेप्ट भी। अब इसका हमें बनाना है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि वो कई बार क्या बोल देते हैं क्वेश्चन में कि इंडिफरेंस कर्व भी बनाना है। तो ये आपका आ गया इंडिफरेंस पॉइंट, अब हम इसी को हम कर्व पे शो करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए हमें EBIT और EPS दोनों चीज चाहिए। तो EBIT तो अभी हमने निकाल लिया आपकी कितनी आई 16,000, एंड अब हमें क्या निकालना है अपना EPS। तो EPS जैसे कि हमें पता भी है कि दोनों केस में सेम होगा, तो हम एक से भी काम चला सकते हैं, बट हम दोनों निकाल के देख लेंगे जिससे कि हमें यह भी वेरीफाई हो जाए कि हमने क्वेश्चन ठीक करा है नहीं, क्योंकि बिकॉज दोनों से हमारी EPS क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में अपनी EPS देख लेते हैं। EBIT कितना था क्वेश्चन देखा था, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो EBIT हमारी आ गई 16,000 माइनस इंटरेस्ट इसमें था ही नहीं जीरो, फिर था 1 माइनस टैक्स रेट जो कि 0.5 माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड वो भी जीरो अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे कितने थे 20,000। ठीक है, तो ये 16,000 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 8,000 एंड अपॉन 20,000, जो कि आपका यह आ जाएगा 30 से 30 कट जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा 0.4 EPS। अब हम सेकंड केस में भी देख लेते हैं हमारी क्या EPS 0.4 ही आ रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। EBIT हमारी इस केस में भी 16,000 ही रहेगी, माइनस यहाँ हमारा इंटरेस्ट माइनस हुआ था कितना 8,000 रुपीज़ का, फिर 1 माइनस प्रिफरेंस शेयर भी 0.5 माइनस यहाँ पे 0 अपॉन, सेकंड केस में हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे 10,000, तो यहाँ पे हम कर देंगे 10,000। आप देखो ये 8,000 हो गया, 16,000 में से माइनस कर 8,000 और 8,000 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4,000 अपॉन 10,000, तो ये भी आपके 30 से 30 कट गए और ये भी आपका आंसर क्या गया 0.4, यानी कि आपकी EPS दोनों केस में 0.4 आ गई, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम बनाते हैं अपना इंडिफरेंस कर्व। ये देखो तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, इस पे हम यहाँ पे लेते हैं अपनी EBIT एंड यहाँ हम लेते हैं अपना EPS, इसलिए मैंने क्या बोला था आपको EPS की भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो अब ये अगर मैं 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड वो हमारा कितनी है EBIT हमारी 16,000, तो इसको हम 4K का ले लेते हैं 4,000 8,000 12,000 एंड 16,000। तो 16,000 हमारी EBIT है एंड 0.4 हमारा EPS है। तो अगर हम देखें ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होना चाहिए इंडिफरेंस पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था ना इंडिफरेंस कर्व के अंदर जो इंडिफरेंस पॉइंट होता है, ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे हमारी EBIT और EPS बोथ सेम है। तो अब हमें यहाँ पे पॉइंट तो हमें पता चल गया, बट अब हमारी बात आती है कि जो दोनों प्लान है उसका हम कर्व स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता ही नहीं ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपका एक कंसेप्ट अलग से आता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब वो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं दोनों केस में, जिससे कि हमें पता चल जाए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है अपना जो ग्राफ बनाना भी है। तो फर्स्ट केस में हम निकालते हैं पहले ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। देखो ब्रेक इवन पॉइंट जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है उसका फॉर्मूला आपका होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो अब दोनों प्लान, दो प्लान है हमारे पास, तो दोनों की निकाल लेते हैं। फर्स्ट प्लान का यहाँ पे निकालते हैं, सेकंड का यहाँ। तो फर्स्ट का निकालते हैं पहले, इंटरेस्ट वहाँ पे क्या था 0 प्लस प्रिफरेंस डिविडेंड हमारे पास था ही नहीं इसमें, तो 0 अपॉन 1 माइनस 0.5 कुछ भी हो जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों 0 प्लस 0 को अगर हम किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 0 प्लस 0 0। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्लान था उसको हमें कहाँ से स्टार्ट करना है,
जीरो से, एंड ये इंडिफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पे तो मिलेंगे दोनों। तो अगर आप एक अगर आप देखो तो आपका एक ग्राफ बनेगा ये, जो आपका प्लान फर्स्ट है, ये आपका प्लान फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकंड प्लान जो है उसमें देखो आप, इंटरेस्ट आपका यहाँ कितना था, 8000, 8000 का आपका इंटरेस्ट था, प्लस प्रिफरेंस डिविडेंड तो यहाँ पे भी नहीं था, तो प्रिफरेंस डिविडेंड में हम यहाँ पे जीरो, वन माइनस 0.5, तो ये भी आपका ये तो जीरो ही आ जाएगा। एंड 8000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 8000, तो यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आया वो कितना है आपका 8000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ग्राफ स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करना है आपको 8000 से, और ये इंडिफरेंस पॉइंट था यहाँ पे तो आपको मिलाना ही मिलाना है, तो ये आपका ऐसे, ये थोड़ी लाइन ठीक नहीं आप कर लेना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये आपका कौन सा है, प्लान सेकेंड, तो ये इसे ही बोलते हैं हम अपना क्या, इंडिफरेंस कर्व। अब ये देखो, जो इंडिफरेंस पॉइंट से अगर हम कहें लेफ्ट साइड में, इंडिफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड में कहें, तो हमारा प्लान वन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था, क्यों था, क्योंकि उस केस में हमारी ईपीएस देखो ज़्यादा थी, ईपीएस यहाँ पे कम चल रही है हमारी और ईपीएस यहाँ पे ज़्यादा चल रही है, तो इंडिफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमारा जो प्लान फर्स्ट है ये वाला अच्छा है और ये वाला अच्छा नहीं है। और इंडिफरेंस पॉइंट के राइट में देखें तो अब हमारी प्लान सेकंड की देखो ईपीएस ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये ईपीएस को डिनोट कर रहा है, तो ईपीएस हमारी ज़्यादा हो गई और प्लान फर्स्ट की ईपीएस अब कम होती जा रही है, प्लान टू की ज़्यादा है, तो इंडिफरेंस पॉइंट के राइट साइड में हमारा प्लान टू अच्छा है और प्लान वन अच्छा नहीं है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एनालाइज करवा के कि इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा जो पोजीशन है बेटर है, तो आपको ऐसे बताना है कि इंडिफरेंस पॉइंट से पहले ये पोजीशन है फिर बाद में पोजीशन है, तो आपको ये सब करके बताना है। तो गाइज ये वीडियो हम अपनी यहीं पे आपको रोकते हैं और आप इसी के क्वेश्चन जो है ट्राई करिएगा, मैंने इसमें से आपको पूरा जो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी थी वो भी दे दी और क्वेश्चन भी आपके सोल्व करा दिए, इससे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और अलग से कहीं से भी नहीं आने एग्जाम में, तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिएगा एंड गुड मार्क्स स्कोर करिएगा पेपर में। तो तब तक के लिए बाय बाय, कल आपके लिए फिर से नई वीडियो आएगी और हम उम्मीद करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर अपना खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।